देख सकते हैं हम लोग कुछ चार मछली पकड़े। देखते कितना बड़ा मछली मिलता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सब लोग नदी देखने के लिए यहाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में एकदम 10 बजे से अपना स्टार्ट कर रही हूँ और आज है 30। तो आज मार्केट बंद है अपना। तो मार्केट बंद के दिन पे हम लोग सोचे थे कि आज कहीं रिजोर्ट वगैरह घूमने जाएंगे, लेकिन ये बारिश की वजह से सब प्लान हमारा चौपट हो गया। तो मैं सोची थी कि अगर बारिश अगर नहीं हुआ तो मैं रिजोर्ट भी घूमने जाएंगे हम लोग सब लोग, और फिर ऊपर से मैं सोचती थी आज फिशिंग वाला ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मैं सोचती थी जब भी मार्केट बंदी वगैरह हो तो फिशिंग वाला ब्लॉग बनाने के लिए। तो आज शायद वो वाला मेरा कैंसिल हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग आज बंछी से जो स्टिक फिश से जो बंछी से फिशिंग करते हैं, मैं दिखाऊंगी आप लोग को कैसा वाला बंछी से फिशिंग करेंगे, वैसा वाला देखूंगी। अगर बारिश में हो सकेगी तो वो वाला मारने के लिए जाऊंगी। तो अभी सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है, तभी मैं जा रही हूँ ये जो हमारे घर के पास में पोखरी है वो सामने वाला पोखरी में बंछी से फिशिंग करने के लिए, और आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ मछली मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन नदी में जाने के बाद मछली मिल सकता है क्योंकि बारिश की वजह से पानी बहुत सारा बढ़ा हुआ है। तो पानी बढ़ा होता है तो मछली जल्दी मिलता है। तो मेरे अब्बू और एक भैया गए हैं प्रॉन्स पकड़ने के लिए, तो मैं नहीं गई क्योंकि मेरा फ़ोन भीग जाता तो मेरा ख़राब हो जाता है इसके वजह से। तो देखूंगी अगर अब्बू भैया लोग भी उधर मिलेंगे तो वो भी दिखाऊंगी। चलते सबसे पहले आप लोगों को मेरा पोखरी में जो फिशिंग करके मैं वो दिखाने जा रही हूँ। इधर मैं अपना आटा भी ले चुकी हूँ, आटा से हम लोग फिशिंग करेंगे अभी, और इधर लाडू भी आ चुकी है। तो चलते हैं अभी हम लोग फिशिंग करने के लिए, पकड़ो चलो। तो सबसे पहले मुझे अपना बंछी को निकालना होगा, पता नहीं मेरे बंछी वगैरह कहाँ है, इतना दिन हो गया मैं नहीं फिशिंग की हूँ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने घर के सामने जो पोखरी है, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कितना ऊपर तक पानी आ गया, और यही हमारा घर है। तो कब फ्लड आ जाएगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ तक पानी आ गया बारिश की वजह से, तो आगे पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर इधर आ गया तब तो फ्लड आ जाएगा अपना घर में, इधर पानी घुस जाएंगे। तभी मैं यहाँ से थोड़ा फिशिंग करूँगी सोच रही हूँ, यहाँ पता नहीं मिलेंगे कि नहीं। अभी यहाँ देख सकते हैं यहाँ ये पानी में यहाँ फिशिंग करेंगे, यहाँ ट्राई मार के देखती हूँ एक दो मिलेगा कि नहीं। अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग नदी में जाएंगे नदी में फिशिंग करने के लिए। अभी सकीना खड़ा लग चुके हैं मछली मारने में, और यहाँ मार रही है बंसी से। गाइस तो इधर मैं आटा ले चुकी हूँ गोल गोल पूरा करके, और इसमें से सकीना खड़ा थोड़ा तोड़ी है। देखते कितना बड़ा मछली मिलता है। तभी सकीना खाना मछली मार लेते, और जब एक मछली मिलेगा, और गाइस इतना जंगल में मारी खला तभी भी एक भी नहीं मिला, फिर भी ये देख सकते हैं वहाँ पहले हम लोग यहाँ तक जाते थे तो मेरा एक चप्पल दे गया था, ये वाला चप्पल जो मैं वहाँ तक लेके आई थी डंडा पकड़ के, पर वहाँ में इतना कम थी पानी था और पानी भी नहीं आ रहा था। कब फ्लड आ जाएगा पता ही नहीं चल गया ना, कोई घर में रात को सो रहा है इतना बड़ा फ्लड आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। गाइस फ्लड आके कब निकल जाएगा, निकल भी नहीं जाएगा, मतलब होते रहता है फ्लड तो कितना ज़्यादा पानी, और वहाँ में बीच में जाने से आप तो डूबे जाएंगे, पर वहाँ में बहुत ज़्यादा पानी है, और इधर भी कितना ज़्यादा पानी। अभी बारिश भी पूरा तेज तेज दे रहा है, इसलिए और ज़्यादा पानी बढ़ रहा है, और बाद में बहुत ज़्यादा बारिश दे था इसलिए और ज़्यादा यहाँ में पानी आ गया, और कल परसों तो यहाँ तक ले आ जाएगा शायद, जहाँ तक ले रुका भी है वहाँ तक आ जाएगा। तो भाई याद है कि आप लोग फ्लड आ ही जाएगा, वीडियो में बोल दे दी खला केकड़ा। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग अभी मैं एक मछली पकड़ चुकी हूँ ना लाडो, खतरनाक फिशिंग किया हमने। अभी इधर लाडो इसको निकालने के लिए जा रही है, तो सामने दिखाने दो, तुम दूर मत भागो, हम सामने दिखा रहे मछली को। ये बरसात में ये वाला पोखरी से मैंने अभी एक फिशिंग किया, तो अभी हम लोग नदी भी जाएंगे फिशिंग करने के लिए ना लाडो। अच्छा से निकालो मछली को सामने लाना, तुम भाग क्यों रहे। तो यहाँ लाडो अभी हाथ में ले चुकी है निकाल कर मछली, दिखाओ कितना बड़ा है। इधर देख सकते हैं आप लोग कुछ इतना बड़ा, ओए देखो छोटा मत, पकड़ो, आए छूट जाएगा, जाओ उधर ले जाओ, साइड में ले जाओ। तू मछली खा चुकी है, जल्दी मारो, जल्दी। और गाइस सबसे ज्यादा तो ये मछली अच्छा लग रही मुझे कि मैंने इसको निकाला है, इतनी बड़ी है।
और एक और मिल जाएगी तो दिल खुश हो जाएगा। और हम लोग इसको फ्राई करके खाएंगे ना, पूरा यम यम। और बुलबुल का हैप्पी बर्थडे भी हो जाएगा कांटा से। मिल जाए, मिल जाए गाइस। भीज भीज के फिशिंग करेंगे, क्योंकि बहुत ही मजा आ रहा है ऐसा वाला मछली पकड़ने में। चलिए, एक हो चुका था और ये दूसरा देख सकते हैं, दोनों गरही है ना, गरही ये है। बहुत मोटा है, ये खाला ये बहुत मोटा है, बहुत मोटा है, खाने में टेस्टी फ्राई करके। ये देखिए आयान है, लाडो देख रही है। आयान बारिश में भीज रहे तुम? इधर सकीना देखिए, ये देखिए सकीना मार रही है। अब देखिए मछली आने वाली है, ये देखिए मछली आने वाली है। ये देखिए मेरा आयान का बॉल है, कौन खरीद दिया आयान बॉल? मम्मा खरीद के दिए। और वो आयान का अम्मी है, इधर सकीना मछली मार रही है, और इधर लाडो पूरा बारिश में भीग रही है। लाडो बारिश में भीग के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इधर अभी सकीना देखिए, अब थोड़ा देर में अभी मछली पकड़ने वाली है, थोड़ा देर रुकिए गाइस, अभी थोड़ा देर में सकीना मछली पकड़ लेगी। जल्दी जल्दी जल्दी, मछली मछली चालू है, खा के भाग जा रहा है। बहुत मछली इसके अंदर में। मजा मिल रहा है अभी, इसलिए मुझे बारिश का भी गम नहीं हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, कुछ तीन हम लोग पकड़े हैं, अब नहीं पकड़ेंगे ना, हो जाएगा तीन ना। मजा लग रहा हो गया अभी। देख सकते हैं हम लोग कुछ चार मछली पकड़े, और ये वाला मछली सबसे बड़ा है इसमें, और ये सब थोड़ा छोटा छोटा है। तभी इसको देख सकते हैं आप लोग, पूरा लोकल मछली। तो यहाँ अभी मछली पूरा मस्त से फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। तभी हम लोग इसको खाएंगे, इधर लाडो खा रही है ना, लाडो काटा काटा बचा बचा के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने स्कूल के तरफ, क्योंकि इधर थोड़ा ज़्यादा लोग घूमते फिरते, इसलिए हम लोग भी इधर जाना ही पसंद करते हैं। और मार्केट वार्केट बंद होता है तो इधर में घूमने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो अभी इधर सब लोग जा रहे हैं, इधर देख सकते हैं आप लोग। अब बतिया तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पुराने वाले स्कूल के पास। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कितना पानी लगा हुआ है बारिश के वजह से, इधर पूरा पानी पानी। तो अभी उधर जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ का नज़ारा भी देखिए कितना खूबसूरत वाला है, देख सकते हैं ये वाला स्कूल। अभी स्कूल का इधर पूरा बेढ़ा वगैरह नया से लग रहा है, वाल दिया जा रहा है। तो इधर आयान पूरा एकदम पागल हो गया है, घूमते घूमते क्या 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 बोले जा रहा है, एकदम इसको मज़ा आ रहा है ना आयान। और इधर लाडो का स्कूल, ये वाला लाडो का स्कूल यहाँ तो देखेंगे आप लोग। लाडो अपने स्कूल की तरफ जा रही है, वो इसका स्कूल का गेट।
यहाँ आयन भी दौड़ रहे। आयन पूरा फुल मस्ती में, आयन आओ, आयन हो गया, आयन आओ, आयन दौड़ के आ रहे, दौड़ के आ रहे, आयन आ गया, लाडो आ गई। आयन कितना मस्ती में देख सकते हैं आप लोग। यहाँ दीदी ब्लॉगिंग कर रही है अपना, लेकिन ये अभी पब्लिक नहीं करेगी, बस अपना पर्सनल ब्लॉगिंग कर रही है कि इससे भी हो पाएगा कि नहीं, तो ट्राई कर रही है। उधर देख सकते हैं आप लोग, इधर ये स्कूल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सब लोग नदी देखने के लिए। यहाँ बारिश की वजह से पूरा नदी का फ्लड आ चुका है, मतलब बहुत ही ज्यादा पानी ऊपर तक आ चुका है, तो वही देखने के लिए अभी सब लोग जा रहे हैं। इधर हम लोग भी जा रहे हैं, इधर देख सकते हैं कितने सारे लोग गए हैं, इधर देख सकते हैं आप लोग, तभी उधर के, और हम लोग भी जा रहे हैं और दिखाएंगे आप लोगों को भी कि कितना पानी आया है यहाँ के नदी में। तो यहाँ अभी रास्ते में हम लोग को मिला जामुन का पेड़, जो इसमें पूरा जामुन लगा हुआ है, लेकिन अभी इसमें ये नीचे नीचे वाले जो कच्चे वाले है और ऊपर वाले उधर पक्के पक्के वाले है, यहाँ से मैं थोड़ा तोड़ने का कोशिश करती हूँ, खाने का मन कर रहा है। क्या है? गुलाब जामुन नहीं है लड़का, जामुन है, जामुन कहाँ मिली नहीं दे, इतना ऊपर ऊपर है सब। तो यहाँ अभी ये वाले जामुन के पेड़ से मैं ऊपर उठ के बहुत सारा जामुन तोड़ी हूँ, लेकिन मैं ऊपर वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि बारिश की वजह से पेड़ थोड़ा भीजा हुआ था, तभी मैं आप लोगों को दिखाते कितना सारा हम लोग जामुन तोड़े, देख सकते इतना कुछ जामुन तोड़े ऊपर से। तभी इसको घर में जाके काला नमक के साथ खाएंगे तो टेस्टी लगेगा। चलो यान हो गया, चलो चलो वीडियोग्राफर। यहाँ अभी हम लोग आए कुछ खाने के लिए, तो यहाँ आंटी अभी पूरा गर्मा गर्म पकौड़ा और ब्रेड चोप बना के रखी है, इसमें अंडा चोप, और इधर आयान का खाएं, का खाएं बोल रहे ना, यहाँ काला वाला यहाँ आंटी पकौड़ा पैकिंग कर रही है। तो यहाँ अभी जामुन को लाके हम लोग मस्त से पानी में धो के और इसमें अभी काला वाला नमक डाल के खाएंगे। ये देख सकते कितना अच्छा दिख रही है, तभी ये पूरा पका नहीं था, लेकिन जितना पका था उतना में तोड़ लिया हम लोग। और इधर हम लोग भुजा लिए हैं खाने के लिए, और साथ ही साथ इधर पकौड़ा,